पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सोल्व कर सकते हैं हम ग्राफिकली भी। सॉल्यूशन से मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वेरिएबल एक्स की और वाई की। दो इक्वेशन मिलेंगी ना पेयर में, ठीक है। नाइन्थ क्लास में तो एक इक्वेशन है, उसमें तो ड्रॉ करना है सिर्फ, ठीक है। टेंथ क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, यानी उनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। और सॉल्यूशन में होगा क्या, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स, थ्री एक्स माइनस और टू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, थ्री, ठीक है। ये दो इक्वेशन है मान लो। सो x की वैल्यू रखी मैंने 3 और y की वैल्यू भी रखी 3। फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ, देखो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सेटिस्फाइड फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 टू 6 कितना आएगा, 3, विच इज ऑल्सो राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। यानी कि एक्स और वाई की ये वैल्यूज दोनों इक्वेशंस को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जब आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू उसमें पुट करें तो। समझ आती है बात, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफिकली हम इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको, क्या क्या अराइज हो सकती हैं जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें मिलती हैं। इन्हीं इक्वेशंस को, ये जर्नल कोई दो इक्वेशन मैंने लिखी हैं। जर्नल फॉर्म इक्वेशन की कैसे लिखी जाएगी वैसे, इसकी लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर दो इक्वेशंस गिवन हैं तो उनको अलग अलग हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिख देंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, दूसरी इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। समझ आती है बात, जर्नल इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए हम इन कोफिशियंट्स को, वेरिएबल से जो मल्टीप्लाइड हैं उनको क्या कहते हैं हम, कोफिशियंट्स। तो कोफिशियंट्स को 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दो इक्वेशन है आपके पास, लीनियर इक्वेशन है, यानी लाइंस बनेंगी ग्राफिकली। जब किसी लीनियर इक्वेशन को आप प्लॉट करोगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन की दो सिचुएशन हो सकती हैं, दो नहीं तीन सिचुएशन हो सकती हैं दो स्ट्रेट लाइन के कारण। या तो वो स्ट्रेट लाइन्स आपस में कट करती हूँ, या फिर वो स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल हैं कहीं कट ना करें, या फिर वो स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो ओवरलैप करती हों एक दूसरे को, यानी कि कोइंसिडेंट हों। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाए करने वाली, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइंस आपकी ये तीन सिचुएशंस आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, तीन स्ट्रेट लाइंस। श्योर मत कर कार्तिक ना, ये तीन स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस आपको तीन सिचुएशन प्रोवाइड कर सकती हैं। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। अब इसमें देखिए, एक्स और वाई की ये जो वैल्यूज होंगी ये इन दोनों लाइंस पे लाए करेंगी। यहाँ जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ना आपके पास, वो इन दोनों लाइंस पे लाए करेगा, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हर x और y की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी वो उस लाइन पे आपको मिलेगी, या लाइन पे पड़ने वाला हर पॉइंट जो है वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये जो x और y की वैल्यूज होंगी यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सॉल्यूशन हो गया, इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो गया दोनों इक्वेशंस का। और ये सॉल्यूशन कैसा है, एक ही वैल्यू मिलेगी आपको ये, क्योंकि लाइंस मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती हैं, दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगी, एक से ज्यादा पे नहीं करेंगी। स्ट्रेट लाइंस हैं क्योंकि मुड़के तो आने से रही, तो एक ही पॉइंट पे वो कट करेंगी। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब अपने जैसा एक ही,
तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखिए, जब लाइंस पैरेलल हैं आपस में, पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या वो कट करेंगी कभी? तो कोई सॉल्यूशन होगा दोनों का कॉमन? कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उनका नहीं होगा। सॉल्यूशन ना होने से मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए x और y की वैल्यूज इस लाइन के लिए मिल जाएंगे आपको, इस लाइन के लिए भी मिल जाएंगी, बट दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये कहीं कट नहीं करती। दोनों की x की वैल्यूज अलग होंगी हमेशा और y की वैल्यूज भी अलग होंगी। कोई x और y की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों लाइंस के लिए सेम हो। इसमें एक वैल्यू होगी ऐसी, एक ही, इसीलिए तो यूनिक लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रही हैं ये, एक ही पॉइंट मिलेगा ऐसा। या x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, या तो x और y नहीं, x और y दोनों की एक ही वैल्यू होगी, सेम नहीं। मतलब x की जैसे वैल्यू हो गई ये 2, 3 हो गई, x की 2, y की 3, तो ये एक ही पॉइंट ऐसा होगा x और y की वैल्यू होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, समझ आती है बात। पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, ओके। थर्ड जो है वो को इंसिडेंट है, यानी एक के ऊपर एक लाई करने वाली लाइंस हैं, और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनके सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफिनिट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। सो INFINATE सॉल्यूशंस, ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है, इसको इधर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो थर्ड सिचुएशन है, जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाए करती हैं तो उनको बोलेंगे को इंसिडेंट लाइंस, और सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हाँ बोलो, सारे कॉमन होंगे, लाइंस एक दूसरे पर लाए करती हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन है ये, तो सारे सॉल्यूशंस दोनों लाइंस पे ही अप्लाई होंगे, सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब बिना ड्रॉ किए भी आप बता सकते हो कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, बिना ड्रॉ किए भी आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज कोफिशियंट्स, ठीक है। कैसे? देखिए सिचुएशन देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिचुएशन होगी a1 upon a2, ये जो रेशियो होगा वो b1 upon b2 के बराबर नहीं होगा। जैसे इस केस में देखिए, a1 क्या है? वाह वाह, वन, कोफिशियंट्स की बात हो रही है, ये वेरिएबल है। a1 क्या है? x से मल्टीप्लाई होने वाला कोफिशियंट्स, तो यहां a1 क्या है? 1। a2 क्या है? 3। सो ये रेशियो हुआ a1 upon a2 1/3। b1 क्या है? 1। और b2 क्या है? -2। साइन साथ में रखना है, ठीक है, -2। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ऊपर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है, वो माइनस ही है, नीचे हो चाहे ऊपर, ये दोनों इक्वल हैं क्या रेशियो? नहीं। तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो ऐसी शेप बनाएंगी, एक दूसरे को कट करेंगी और एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो सिर्फ बिना ड्रॉ किए सिर्फ कोफिशियंट्स कंपेयर करके आप बता सकते हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, देखिए a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 upon c2, c1 upon c2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा जब केस होगा तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल बनेंगी और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड केस जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, उस केस में हाँ बोलो, तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो a1 upon a2 इक्वल्स टू b1 upon b2 इक्वल्स टू c1 upon c2, इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हाँ कोई इक्वेशन लिख लेंगे, कोई इक्वेशन जैसे यही कर लो आप, ठीक है, इसी को आप कर लो, ये 2y और ये हो जाएगा प्लस में 1/3 का रेशियो ना, तो 6y
इक्वस टू, ये भी 1/3 का रेशियो होना चाहिए, इनको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज़ कुछ लिख लीजिए, जैसे 1/3 का रेशियो 3:9 इक्वस टू 0 इक्वस टू 0। ये जो सिचुएशन है इसमें देखिए, इसमें देखिए ये रेशियो क्या हो जाएगा 1/3, ये रेशियो क्या 2/6, ये भी क्या आ जाएगा 1/3, 3/9 ये भी क्या आ जाएगा 1/3। तो तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस केस में लाइंस क्या होंगी आपकी, को इंसिडेंट लाइन्स होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ठीक है। तो ये टेबल बनी हुई है आपकी बुक में, उसमें से आपको देख लेना है, ध्यान भी रखना है, याद भी करना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपके, मैक्सिमम टाइम्स इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए अब जिनके सॉल्यूशंस है ना, सॉल्यूशंस किन किन सिचुएशन में है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन में, सिचुएशन में ऐसी है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये सिचुएशन, एक ये सिचुएशन है जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों केस में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इन लाइंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइंस, CONSISTENT, कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, हाँ, इनमें सॉल्यूशन मिल रहा है ना, जिनमें भी सॉल्यूशन मिल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, उनमें क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, नो सॉल्यूशंस, वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ये ऐसे पेयर है लाइंस का, ये ऐसा पेयर है लाइंस का जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। और जिनमें सॉल्यूशन है वो चाहे यूनिक हो और चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, उनको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। समझ आती है बात, पक्का। चलिए अब इसको, इसका सॉल्यूशन ड्रॉ कैसे करेंगे, ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कोई इक्वेशन पकड़ते हैं हम, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करें तो देखिए, हाँ ग्राफ बना देंगे इसका, ठीक है। तो इक्वेशन बताई कार्तिक ने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको ड्रॉ करते हैं, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए पहले हमें एक्सिस चाहिएंगे, ये ओरिजन, ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है, ओके। पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की अपने आप आ जाएगी, किसी भी एक वेरिएबल की पुट करो, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। तो एक्स की सबसे आसान तरीका है, एक बार एक्स को जीरो पुट कर दो, एक बार वाई को जीरो पुट कर दो, ठीक है। तो एक्स को जीरो पुट करोगे, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। वाई को जीरो पुट करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 0, 4 and 4, 0, 2 points are there। एक लाइन बनाने के लिए आपको दो ही पॉइंट चाहिए, तीसरा शौक है आपका तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दो से भी काम चल जाएगा, 4, 0। मतलब समझा नहीं, एक से लाइन कैसे बनाओगे, एक पॉइंट से, जैसे एक्स दो ले लिया, वाई दो ले लिया, तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू जो भी रखोगे वाई की अपने आप आ जाएगी, 2 आ गई। इनमें से दो वेरिएबल हैं, इनमें से एक वेरिएबल आप अपनी मर्जी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बट चूज़ ऐसा करना है जिसको आप ड्रॉ कर सको, ऐसा नहीं 10,547 रख दिया मैंने, समझे, ठीक है जी। चलो तो ये पॉइंट्स आ गए आपके पास, अब देखो इनको ड्रॉ करते हैं, 0, 4 पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स 0 है, वाई 4 है, तो ये पॉइंट आ गया 0, 4, दूसरा पॉइंट 4, 0, यानी एक्स 4 है, वाई 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया 4, 0, और इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये लाइन बन गई। ये लाइन किस इक्वेशन की है वो यहाँ पे लिख देना है, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 4, इस इक्वेशन की ये लाइन बन गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है उसकी भी लाइन बना दोगे, वो लाइन मान लो यूं बनती है, तो दोनों जहाँ मीट करती हैं ये एक्स पॉइंट हो जाएगा उसका, और ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये उनका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स वाई, समझ गए, कर सकते हैं।
एक मिनट, हाँ बोलो। थ्री इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वाई, तो इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ मैं, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू जीरो पुट कीजिए, y कितना हो गया थ्री, और y की वैल्यू जीरो पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री बाय टू, थ्री बाय टू यानी 1.5। हाँ बोलो, x की वैल्यू वन रखूँ, ठीक है, x की वैल्यू वन रखिए तो ये क्या हो जाएगा, टू टू थ्री माइनस टू, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन। एक पॉइंट ये आ गया, अंकुश समझ आ रहा है ना कैसे, या ऐसे ही बस, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, फिर वही तरीका, x और y और 0, 3 यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 0, 3 यहाँ आ जाएगा आपके पास, और 1, 2, 3 3 बाई टू यानी 1.5 यहाँ कहीं, तो 1, 3 बाय 2, 0 ये पॉइंट आ गया, दोनों को मिलाती हुई एक लाइन बना दीजिए, ये लाइन बन जाएगी, समझ गए, कर लेंगे पक्का। ग्राफ ड्रॉ करना है जिस जिस क्वेश्चन में, उसमें बता रखा है आपको, तो ग्राफ पेपर लेके आके ड्रॉ करना है उसको, समझ गए। यस सर। तुम कैसे ड्रॉ करोगे, क्लियर है पक्का, फाइन। हाँ इनको, हाँ ये सॉल्यूशंस हो गए, इस लाइन के सॉल्यूशंस हैं, बट ये इसी लाइन के हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस जो होंगी उनमें सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो कॉमन होगा, दोनों एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है उसको सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ ये सारे सॉल्यूशंस हैं इस लाइन के, और कितने सॉल्यूशन होंगे एक लाइन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, लाइन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, किरण, ठीक है, ओके, थैंक यू।